नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा की अमहिया पुलिस ने चिराहुला कॉलोनी के पास से 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। हम आपको बता दें, सतना की कुलगवा पुलिस ने उस तस्कर पर गांजे के मामले को लेकर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पकड़े जाने की सूचना पर कुलगवा की पुलिस टीम रीवा पहुंच चुकी है, वो उसको रिमांड में ले सकती है। गांजा तस्करी का फरार 10,000 रुपए का इनामी आरोपी अमहिया पुलिस ने रीवा के चिराहुला कॉलोनी से किया गिरफ्तार। सतना पुलिस ने इनाम घोषित किया था। हम आपको बता दें, 2021 से रीवा के चिराहुला कॉलोनी के पास रहने वाले अभिमन्यु सिंह गांजा तस्करी के मामले में पुलिस की नजर में वांटेड थे। सतना पुलिस ने इनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये लगातार फरार थे। रीवा की अमहिया पुलिस को सूचना मिली थी। अभिमन्यु सिंह रीवा के चिराहुला कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं। पुलिस ने टीम बनाई, मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार कर लिया रीवा की अमहिया पुलिस ने। अब अमहिया पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड भी निकाल रही है। पुराने रिकॉर्ड में भी यह कई मामले में वांटेड है। गांजा तस्करी में फरार चल रहे आरोपी अभिमन्यु सिंह को अमहिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 साल से इनकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चिराहुला कॉलोनी से आरोपी को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया, सतना जिले के कुलगवा थाने में आरोपी के खिलाफ गांजा तस्करी का मामला दर्ज था, जिसमें सतना पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ रीवा में भी मामला दर्ज है, जिनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़े गए आरोपी की जानकारी सतना पुलिस को हुई तो रीवा पहुंची, जो आरोपी को रिमांड में ले सकती है। इस बारे में हमने रीवा के एडिशनल SP अनिल सोनकर से भी बात की। पिछले काफ़ी अरसे से गांजे के खिलाफ रीवा पुलिस की मुहिम कमज़ोर दिखाई दे रही थी। फिलहाल पुलिस की नज़र रीवा में नए साल को लेकर शांति व्यवस्था पर ज़्यादा नज़र आ रही थी। नशीली कफ सिरप को लेकर पुलिस की कार्रवाइयाँ जरूर काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रही थी। गांजा तस्करी का मामला काफ़ी अरसे से पुलिस ने नहीं दिखाई दिया था इस दौरान, लेकिन एक बड़े आरोपी 10,000 के इनामी आरोपी को पकड़कर पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि उसकी नज़र गांजा तस्करों पर लगातार बनी हुई है। कोई आरोपी कितना भी चलाकी दिखाए, कैसे ही भी फरार हो जाए, लेकिन हम उस पर नज़र बना कर रखेंगे, मौका मिलते ही हम उसको पकड़ लेंगे। हमारे मुखबिर का जाल चारों तरफ सक्रिय है, रीवा पुलिस साफ तौर से कहती है। हमारे इलाके में किसी भी तरीके के अवैध मादक पदार्थों का कारोबार नहीं होना चाहिए। तमाम बातों को लेकर हमने रीवा जिले के एडिशनल SP अनिल सोनकर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना था। कल अमहिया पुलिस ने चिराहुला कॉलोनी से अभिमन्यु सिंह को पकड़ा है। इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था। गांजे का एक प्रकरण पुलवामा सतना में उनके विरुद्ध कायम था और ये फरार थे। 2021 में उसकी कायमी हुई थी और ये लगातार फरार थे। इनके ऊपर 10,000 का इनाम सतना पुलिस द्वारा किया गया था। मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिलने पर अमहिया पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इनके पुराने रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, 2 मारपीट के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है अन्य प्रकरणों के संबंध में। अभी इनसे पूछताछ चल रही है, अभी कोई नई जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों से शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।